लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव प्रथम कविता के पाठ को पढ़ने के बाद आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम आज एंटोनिम्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले हम कल पढ़ेंगे ये क्या लिखा, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। लाइट, ये मैंने हिंदी में इसका प्रोनंसिएशन लिखा है और इसके बाद इसका अर्थ लिखा है। लाइट मतलब प्रकाश, इसका एंटोनिम हो जाएगा डार्क, डार्क का मतलब अंधकार। ये लिखा है एक्सटर्नल, ई एक्स एक्स टी ई आर टर एन ए एल नल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, इसका विलोम शब्द एंटोनिम हो जाएगा इंटरनल, आई एन मतलब इन टी ई आर टर एन ए एल नल, इंटरनल इसका मतलब हुआ आंतरिक। तीसरा शब्द है सीनियर, एस ई एन आई ओ आर सीनियर, सीनियर सीनियर मतलब बड़ा, इसका एंटोनिम होगा जूनियर, जे यू एन आई ओ आर जूनियर, जूनियर मतलब छोटा। चौथा शब्द है ईविल, ई वी आई एल ईविल, ईविल मतलब होता है बुराई, एंटोनिम हो जाएगा गुड, गुड का मतलब हो गया भलाई। समझ में आ गया, लाइट डार्क, एक्सटर्नल इंटरनल, सीनियर जूनियर, ईविल गुड। डार्क का एंटोनिम लाइट, इंटरनल का एक्सटर्नल, जूनियर का सीनियर, गुड का ईविल। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोएम, व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोएम, आप इन माय हाउस से क्या समझते हैं। आंसर है इन माय हाउस मींस इन माय हार्ट, इन माय हाउस का मतलब है मेरे हृदय में। दूसरा प्रश्न है व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट, स्पीकर लॉर्ड से क्या चाहता है, वांट माने चाहना, व्हाट डज क्या चाहता है। आंसर है स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, स्पीकर लॉर्ड से, ईश्वर से उसके हृदय में स्नेह का दीपक जलाने के लिए कहता है, क्या चाहता है कि वह स्नेह का दीपक जलाए। तीसरा प्रश्न व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम, पोएम में दिया लैम्प किस प्रकार का है, क्या क्वालिटीज़ हैं। मैंने आपको पोएम पढ़ते समय बताया था उसकी तीन क्वालिटीज़ बताई गई हैं, ट्रांसम्यूटिंग इंट्रेंसिंग और रिसरेक्टिंग, ट्रांसम्यूटिंग इंट्रेंसिंग रिसरेक्टिंग। ट्रांसम्यूटिंग मतलब परिवर्तन लाने वाला, एंट्रेंसिंग मतलब व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाला, वशीभूत कर लेने वाला, रिसरेक्टिंग मतलब पुनर्जीवन देने वाला है। चौथा प्रश्न है व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, पोएम में डार्कनेस का क्या मतलब है। डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता, डार्कनेस का मतलब है अज्ञानता। पांचवा प्रश्न है व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, पोएम में लाइट का क्या मतलब है। लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, लाइट का मतलब है ज्ञान। छठा प्रश्न है व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू, सेंसेस मतलब मैंने आपको बताया था इंद्रियां, तो इंद्रियां जो होती हैं इनकी तुलना किससे की गई है। सेंसेस आर कंपेयर्ड टू लैम्प्स, इंद्रियों की तुलना लैम्प से की गई है। आज के लिए इतना ही, अगली एक्सरसाइज में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।